खरगोन जिले में सामाजिक समरसता का भाव लिए निकाली जा रही स्नेह यात्रा शनिवार को जिला जेल पहुंची। यहां प्रभारी हरिओम आनंद ने कैदियों को सहनशीलता रखने का संदेश देते हुए कहा कि अधिकतर अपराध क्षणिक क्रोध के कारण घटित होते हैं। यह कारावास आपके गलतियों की सुधार का समय है। इस समय का सदुपयोग करें और यहां से निकलने के बाद अच्छे आचरण से नई शुरुआत करें। संत हरिओम आनंद ने जेल की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि यहां एक आश्रम जैसा वातावरण है, जहां कैदियों को अच्छे विचारों के साथ उनकी प्रतिभा को भी अवसर दिया जा सकता है। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने कहा कि जीवन में अच्छे विचारों के लिए सबसे अच्छा दोस्त किताबें होती हैं। कई महापुरुषों नेताजी ने जेल में रहते हुए अपनी आत्मकथाएँ लिखी, कई नवाचार किए जो अनुकरणीय हैं। कलेक्टर ने कैदियों से जेल व्यवस्था को लेकर चर्चा भी की। कलेक्टर ने बताया जेल में व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, यहां सुधार के लिए प्रतीक्षालय और गौशाला निर्माण की व्यवस्था भी जल्द करेंगे। जेल अधीक्षक जेआर मंडलोई ने बताया जेल में जल्द कैदियों के लिए रुचि अनुसार काम की व्यवस्था कराएंगे, जिससे वे रोजगार भी हासिल कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। उनको गहन मनन और चिंतन करने की आवश्यकता है। जो चीजें हो रही हैं, उन होती हुई चीजों को हम लोग कैसे अपने पर माने कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बेकार है, इन सब चीजों को यदि हम लोगों ने अपने पर लागू कर दिया तो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आता है। मैं आप सभी को उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सत्र है आपकी जिंदगी में एक नए विचार, नई कोपलें, नए पौधे की तरह से काम करेंगे। बुक्स ना हो तो अच्छी बुक्स की इनको व्यवस्था कराई जाए। लोग हमारी जिंदगी में सबसे यदि कोई अच्छी चीज होती तो हमारी बुक्स हैं, पुस्तकें। हमारे घर में हम लोग सोचते हैं कभी हमारे माँ बाप भाई बहन ये बहुत अच्छे दोस्त हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, परंतु बुक्स हमेशा अच्छी दोस्त होती हैं। सारा का सारा जो बुक्स में जो ज्ञान है वो एक तरह से सुसुप्त ज्ञान है, जब तक हम उसको ग्रहण ना करें। तो अच्छी बुक्स लोगों की जिंदगी बनाती हैं। आप सभी लोग, मैं देख रहा हूँ कई कुछ लोग युवा भी हैं, कुछ युवाओं से भी बुजुर्ग हो गए हैं। मुझे लगता है कि जब आप यहाँ से जब निकलो तो एक नया इंसान बन के निकलो, नया इंसान। समाज को भी आप मैसेज दो कि हम लोग जेल से भले ही आए हैं, वो भली क्या सोचते हैं, परंतु जो आप सोचते हैं वैसे मैं हूं नहीं। ये समाज को मैसेज आप दें कि मैं बहुत अच्छा इंसान बन के आया हूं, और आप समाज को भी दिशा कर देने वाला काम कर सकते हो। हमेशा कुछ जहां रहते हैं हमारे जो पुरानी चीजें हमसे गलती हुई हैं उनको सुधार करके, और हम लोग आगे हमारे परिवार को भी हमारे समाज को भी सही दिशा दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो स्वामी जी के कुछ वाणी मैंने भी सुनी थी महाभारत के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, आपको इतनी जो चीज़ें बताई हम सब जानते हैं परंतु उसको हम मानते नहीं है, अप्लाई नहीं करते। यह कारागार जो है अपवित्र जगह है, लेकिन मैं थोड़ा यहाँ पे इस संबंध में ये कहना चाहूँगा, यह पवित्र जगह नहीं है, यह आप लोगों को पवित्र करने का ये एक अवसर मिला है। यहाँ पे आप अपना अपना आत्मनिरीक्षण करें, अपने मन में ढूंढें कि मैं क्या कर सकता हूँ। आप अधीक्षक महोदय से निवेदन करें कि मुझे अगर कुछ पढ़ना है, अगर मुझे अगर इन दीवारों पे अच्छे अच्छे अपने महान क्रांतिकारियों के चित्र उकेरे जाए, किसी के पास कोई कला हो वो क्या कर सकता है, अपने अंदर का वो भाव वो जगाए। कोई भी बच्चा जो यहाँ पे पढ़ने लिखने वाला था अनायास कोई घटना से आ गया है, इसमें कितने बच्चे पढ़ने वाले थे, कोई है तो हाथ उठाइए। आप लोगों की इच्छा है पढ़ने की, आगे है कोई इच्छा पढ़ने वाली इसमें? अगर दो भी है तो सूर्य एक ही है, अगर एक बच्चा भी अगर नाम रोशन करता है तो यह केंद्र, ये जो कारागार है यह आदर्श कारागार के नाम से जाना जाएगा। तो हम इस अवसर पे आए हैं तो हम महात्माओं का कर्तव्य बनता है कि आए तो कुछ दे के जाए। भोजन किया और तृप्ति नहीं हुई, जल पिया और तृप्ति नहीं हुई, हमारा आना सफल हो तभी माना जाएगा कि आप में से कोई भी व्यक्ति
अपने आचरण के द्वारा, अपने ऐसे कर्म के द्वारा द्विव कर्म कर दे कि हाँ कारागार अपने आप में इस जिले में, इस क्षेत्र में अपना इसका एक आयाम हो, इसका एक नाम हो। तो इसी भाव को मैं व्यक्त करने के लिए अभी बीच में थोड़ा सा अवसर मांगा था आपसे, जिसके लिए धन्यवाद। चलाया गया है, हम समाज में एक साथ सौहार्द से प्रेम से रहते तो हैं। यही संदेश लेकर के हम लोगों ने एक नवाचार किया कि हम जेल में जो बंद कैदी लोग हैं उनके लिए भी कुछ करें। इसमें आज जो हम लोग खरगोन का ये जो दौरा किए हैं, यहाँ पे 311 के लगभग विचाराधीन हैं और 90 व्यक्ति दंडित हैं, मतलब 400 के समथिंग यहाँ पे कोई बंदी हैं, जिसमें 311 जो बंदी हैं यह बताते हैं कि अनायास ही इनसे कोई कर्म बन गया है जो इनसे नहीं होना चाहिए था। इनमें सुधार की गुंजाइश है और जो दंडित हैं उनमें सुधार की गुंजाइश है। तो कहीं ना कहीं जो चारित्रिक ह्रास हुआ है उस चारित्रिक उत्थान के लिए हम लोगों ने प्रयास किया कि हम लोग उनके बीच में जाए जो वर्ग हमसे छूट रहा है। तो इसी उद्देश्य को लेकर के हम यहाँ पे आए। राज आप बैठे हैं यहाँ पर, निरीक्षण भी किया आप। आज एक अच्छा अवसर आया कि यहाँ पे एक स्वामी हरिओमानंद जी हैं और वो कल मेरे संपर्क किया कि उनका मन है कि जेल के कैदियों से बात करके और उनको ऐसे संस्कार दिए जाएं कि जो उन्होंने अपराध किया हुआ इस तरह का और उसमें सुधार कैसे लाया जाए। तो उसी कड़ी में आज यहाँ पर एक सभी कैदियों के साथ में उनकी एक व्याख्यान रखा गया था, एक तरह से उनका बात पूरी चर्चा हुआ और उन्होंने मुझसे भी आग्रह किया तो मैं भी जेल में आया और जेल में उनका मैंने भी व्याख्यान सुना था। उन्होंने जो चीज़ें लोगों की ज़िंदगी में आवश्यक होती हैं कैसे हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, साथ ही साथ आज जेल का इंस्पेक्शन भी किया हुआ, जेल में काफ़ी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, इसमें और क्या अच्छा हो सकता है। मेरी जेल अधीक्षक से बात हुई है, इसमें बाहर जैसे इनको एक यात्री प्रतिचालक की आवश्यकता, उसमें टॉयलेट वगैरह, तो उसमें CMO से मैंने फोन भी कर दिया है, इसमें शीघ्र ही वो बनवाया जाएगा। अंदर इनको इनकी जो वॉल हैं वाइट वॉल हैं एकदम, उसको कैदियों के माध्यम से उसका पेंटिंग वगैरह करा करके उनको और आकर्षक बनाने का भी चर्चा हुआ है। कैदी कई लोग अच्छे अच्छे काम भी करते होंगे तो वो कौन सा काम कर सकते हैं, कोई थैला बना सकता है, कोई कुछ और काम कर सकता है इस टाइप का, तो उनको कुछ रोजगारी मिल जाएगा, तो ऐसा उसका भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। और भी जो जेल में मतलब व्यवस्थाएँ अच्छी हो सकती हैं, अच्छी आदर्श जेल बन सके उसके लिए हम प्रयास करेंगे और अभी सब व्यवस्था वैसे बहुत अच्छी है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।